रोडवेज निगम की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिसार रोडवेज विभाग को संभालने वाला कोई ऑफिसर नहीं है। वर्कशॉप फोरमैन से लेकर रोडवेज महाप्रबंधक तक 38 अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हिसार रोडवेज के जीएम विकास यादव का पिछले महीने तबादला हो गया। वहीं यातायात महाप्रबंधक अरविंद शर्मा छुट्टी पर चल रहे हैं। वर्कशॉप मैनेजर जितेंद्र यादव का करीब 2 महीने पहले तबादला हो गया। इनके अलावा कई अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं। अधिकारियों के बगैर बस स्टैंड के सभी कार्यालय सुनसान हो गए हैं। अधिकारियों की कमी के चलते रोडवेज के काफी काम अधर में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रोडवेज के कंडक्टर, ड्राइवर, क्लर्क सहित अन्य कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि जल्द ही अधिकारी न आए तो रोडवेज हिसार पर मुसीबतों का कहर टूटने वाला है। अब 79वां जीएम करेगा ज्वाइन। हिसार रोडवेज निगम के अब तक 78 जीएम अपनी सेवा दे चुके हैं। हिसार का पहला जीएम वर्ष 1969 में वीसी चौधरी बने थे, जो कि सिर्फ एक दिन ही रहे थे। हिसार का दूसरा जीएम जेपी रतन को बनाया गया था, जिन्होंने 1973 तक अपनी सेवा दी। फिलहाल 2019 में अब तक 2 जीएम विकास यादव व सुरेंद्र दुहन अपनी सेवा दे चुके हैं। इस साल अतिरिक्त उपायुक्त को भी जीएम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। कंचन टीवी के लिए उकलाना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।